Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the next question, that is functions of entrepreneur. The meaning of entrepreneur I have already discussed with you. Entrepreneur means the businessman. जो भी इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, रिस्क बेयर करने के लिए रेडी होता है और जो जिसके वजह से उसको प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. सो यू रिमेम्बर, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन. सो बिजनेसमैन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या क्या काम करता है. सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज इनोवेशन. ये ऑलरेडी हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था, यहाँ पे वापस आपको समझा रहा हूँ. व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज जनरेटिंग समथिंग न्यू इन योर बिजनेस. आप आपके बिजनेस में कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे या जब तक आप कुछ नई चीज कस्टमर को ऑफर नहीं करोगे, कस्टमर डिमांड नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए. अभी इनोवेशन किस में होना चाहिए? तो प्रोडक्ट में इनोवेशन होना चाहिए. मींस यू शुड ऑलवेज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. सेम प्रोडक्ट को आप लंबे समय तक नहीं बेच सकते, बिकॉज कस्टमर के नीड्स क्या होते रहते, चेंज होते रहते हैं. या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हो. तो कस्टमर को कुछ ना कुछ इनोवेशन दिखना चाहिए इन द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मैगी. मैगी में कितने सारे वराइटीज की मैगीज आप होते हैं देखते हो, मसाला मैगी होता है, वेजिटेबल मैगी होता है, आटा नूडल्स. तो अलग अलग वराइटी के मैगीज ये लोग ने मार्केट में लॉन्च किए हैं और इसकी वजह से कस्टमर्स क्या करते हैं, मैगी को डिमांड करते हैं. तो आपने क्या किया, एक ही प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन किया. या फिर आप कंप्लीटली नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो, उसको भी हम लोग बोलेंगे इनोवेशन इन प्रोडक्ट. दूसरा, आप इनोवेशन किस में कर सकते हो? आप प्रोसेस में इनोवेशन कर सकते हो. प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, कि आपका जो काम करने का तरीका है वो आप चेंज कर सकते हो, वो भी एक इनोवेशन हो सकता है. क्योंकि आप आपका काम करने का तरीका जब चेंज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. और दूसरा, आप इकोनॉमिकल हो जाओगे, मतलब आप कम खर्चा होगा तो ऑब्वियसली आप कम दाम में कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाओगे. सो देयर शुड बी इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर कैन बी इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसेस. ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि पहले हम लोग क्या करते थे, कीपैड वाले फोन यूज करते थे, जिसको हम लोग क्वेरिटी फोन्स बोलते थे, जहां पर बटन दबाने पड़ते थे हम लोग को. फिर धीरे धीरे मार्केट में क्या आने लगा, टच स्क्रीन के मोबाइल फोन आने लगे. और आजकल हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास टच स्क्रीन के मोबाइल होते हैं. दिस इज इनोवेशन, कि आप कीपैड से कहाँ पे स्विच हो गए, टच स्क्रीन मोबाइल में आप स्विच हो गए, या आपने कुछ नई चीज मार्केट में लॉन्च की. सो दैट इज इनोवेशन. सो पहला फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, कि इनोवेशन करना है, कुछ नई नई आइडियाज बिजनेस की लानी है जिससे आपको प्रॉफिट होगा. सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. डिटर्मिनेशन मीन्स यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव. ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसमैन का. आपको डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे टू अर्न प्रॉफिट या आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू एक्सपैंड द बिजनेस या आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या टू क्रिएट द कॉर्पोरेट इमेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है ना, कि जब आपका नया बिजनेस होता है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट, मतलब आपको मार्केट में टिकना है, एंड यू वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट सो दैट यू कैन ग्रो. तो नए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए तुम्हारे, टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू सर्वाइव इन द मार्केट. जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाता है, वैसे आप क्या चाहते हो, यू वांट कॉर्पोरेट इमेज एंड यू वांट योर कस्टमर टू बी सैटिस्फाइड. सो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ है, कि जब नए थे तभी आपका ऑब्जेक्टिव अलग था, और जैसे आपका बिजनेस एक्सपांड हो गया वैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने वाले दूसरे ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसा मार्केट सिचुएशन होगा, जैसे आपके बिजनेस की सिचुएशन होगी, वैसे आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होने चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला कि नया बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल, ओके, या अर्न प्रॉफिट. और जैसे आप ग्रोथ करोगे आपको चाहिए कॉर्पोरेटिव. या फिर आप देख सकते हो जैसे अपने यहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन हुआ था 23 मार्च से. सो जनवरी मंथ में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, वांट टू अर्न प्रॉफिट. और लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग चीजें परचेस नहीं कर रहे, तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर्वाइवल. सिचुएशन के हिसाब से मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हो रहे, चेंज हो रहे. सो बिजनेसमैन को अपने ऑब्जेक्टिव क्या करने, डिटरमाइन करने हैं. जब आपके ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होंगे तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करके आप सर्वाइव कर पाओगे, या आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाओगे. तो सेकेंड फंक्शन इज डिटर्मिनेशन और डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. आपको आपके मार्केट्स को क्या करना है, बढ़ाना है. जैसे मेरा बिजनेस अगर सपोज महाराष्ट्र में चल रहा है, तो मुझे मेरे बिजनेस को भी महाराष्ट्र के बाहर लेके जाना है, फिर मुझे इंडिया के बाहर लेके जाना है. सो दिस इज हाउ आई हैव टू डेवलप द मार्केट, आई हैव टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट. सो मार्केट डेवलप करने के लिए आपको
अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी या आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी या फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब आपको नए प्रोडक्ट या नए प्राइसिंग या नए प्रमोशन के तरीके या आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो जितने आप नए नए तरीके से मार्केटिंग करोगे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, नए नए मार्केट में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या कस्टमर की डिमांड प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगी। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको सर्वे और रिसर्च कंडक्ट करने हैं ना। सर्वे एंड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर्स का सर्वे करते हैं या उनको उनके पास एक क्वेश्चनर भरा के लेते हो कि उनको क्या चाहिए। सो आप जब सर्वे करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको पता चलता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। सो आपने अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन की, आपने सर्वे और रिसर्च किया ताकि आपको कस्टमर की डिमांड पता चले और उसके हिसाब से आपके नए नए मार्केट्स डेवलप होंगे और जितने नए मार्केट्स आपके डेवलप होंगे उतना आपकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे तो आपकी डिमांड थोड़ी कम रहेगी, आप महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे एरियाज में भी अगर इंडिया के बिजनेस करोगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, फिर आप इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी अगर बिजनेस करोगे अब्रॉड में तो उसके हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ेगी। सो जितने मार्केट्स बढ़ेंगे उतने आपकी डिमांड बढ़ेगी। सो मार्केट डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी और दूसरा आपको सर्वे और रिसर्च करके कस्टमर की डिमांड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है या फिर मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं करवाना है। सो नो वे, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना जरूरी है और नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडेप्ट होना या उसको आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको आपको चेंज करना काफी जरूरी है। सो क्योंकि क्या हो रहा है कि हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रह रही है, तो आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि नए टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि आपके बिजनेस का ग्रोथ होता है। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कम होगा और उसकी वजह से आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा नहीं, बिकॉज डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रही है। और दूसरी चीज क्या होती है, देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाओगे, आपका वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बना पाओगे। तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके घर का अगर सपोज फ्रिज खराब हो गया है, तो आपको पता है कि फ्रिज खराब होता है तो क्या होता है, लाइट बिल ज्यादा आता है। सो फ्रिज खराब हो गया तो आपको फ्रिज को क्या करना पड़ेगा, बेच के उसके जगह पे नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज लेना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी आपको नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को परचेस करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, ताकि आपका वेस्टेज कम हो और आपकी क्वांटिटी बढ़े प्रोडक्ट की। सो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बिजनेसमैन को पता होना जरूरी है, दैट इज द फंक्शन। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द गुड रिलेशन। नाउ बिजनेसमैन को बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मीडिया हो गई, सोसाइटी हो गई, ये सबके साथ बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है या कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसी के साथ साथ बिजनेसमैन को इनके साथ गुड रिलेशन भी मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप सबके साथ अच्छे रिलेशन अगर मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके एम्प्लॉयज के साथ आपने बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया, तो आपके एम्प्लॉयज क्या करेंगे, होल हार्टेडली काम करेंगे, होल हार्टेडली मतलब पूरी दिल से काम करेंगे, और एम्प्लॉयज दिल से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो लोग अच्छे से काम करेंगे नहीं। सेम तरीके से कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो आपके पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे हमेशा। सो यू हैव टू मेंटेन रिलेशन विद ईच एंड एवरीवन दोज हु आर एसोसिएटेड विद योर बिजनेस। तो इन सब के साथ बिजनेसमैन को अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है, एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंस या फंड्स, बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है और बिजनेस के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो आप शेयर इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, फिर आप पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जैसे बैंक के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, वैसे कंपनीज के अंदर भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। या फिर आप लोन ले सकते हो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो इन सब सोर्सेज से आपके पास फंड्स आते हैं या आपके पास कैपिटल आता है एंटरप्रेन्योर के पास, और ये जो हम लोग को कैपिटल है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए। एडिक्वेट का मतलब क्या है, प्रॉपर अमाउंट में, जितना चाहिए उतना। जैसे मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए तो मुझे उतना मिलना चाहिए, उससे कम अगर मिलेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे मेरे बिजनेस में मुझे वो प्रॉब्लम होगा। प्लस मुझे कंटिन्यूअस पैसे की जरूरत पड़ेगी, एक बार लोन लिया और हो गया ऐसे नहीं, जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा
एक्सपैंड होते जाएगा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती पड़ेगी। सो मुझे एडिक्वेट फाइनेंस मिलना चाहिए और कंटिन्यूस फाइनेंस मिलना चाहिए, और फाइनेंस के लिए मुझे इन्वेस्टर के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। जब इनके साथ मैं अच्छा रिलेशन रखूंगा तब जाके मुझे फाइनेंस मिलेगा। सो पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि बिजनेस को कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, ये फाइनेंस की जरूरत बिजनेसमैन को एडिक्वेट होनी चाहिए और कंटिन्यूसली पड़ती है, और फाइनेंस को अगर चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, शेयर होल्डर, इनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। टेकिंग डिसीजन, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे पैकिंग करना है, कहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना है, कौन सी मशीन खरीदनी है, वर्कर्स को कैसे ट्रेनिंग देना है, बहुत सारे डिसीजन बिजनेसमैन को लेने होते हैं। सो बिजनेसमैन हैज टू टेक द वाइज डिसीजन। वाइज डिसीजन मतलब क्या, एक प्रॉपर बैलेंस्ड डिसीजन लेने आना चाहिए बिजनेसमैन को। और डिसीजन कैसा होना चाहिए, टाइमली और करेक्ट डिसीजन होना चाहिए। टाइमली का मतलब क्या है, सही समय पे डिसीजन तुमको लेने आना चाहिए। जैसे अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, तो आप अगर सपोज ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हो जो दिवाली से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको सितंबर में डिसीजन लेना चाहिए। उसके लिए अगर आप अक्टूबर की वेट करते रहोगे तो डेफिनेटली कब उसकी प्लानिंग होगी, कब वो बनेगा और कब उसको आप मार्केट में लॉन्च करोगे और लोग उसको परचेस करेंगे, क्योंकि ये सब प्रोसेस होने के लिए भी टाइम लगता है। तो आपको टाइम पे डिसीजन लेने आना चाहिए कि अक्टूबर में दिवाली आने वाली है तो सितंबर में मुझे डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कैसे मार्केट में लॉन्च करना है। सो यू शुड टेक टाइमली डिसीजन। दूसरा, करेक्ट डिसीजन लेने आना चाहिए तुम लोग को। उसके लिए तुम लोग को मार्केट के सिचुएशन के बारे में या बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसको आप अगर प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सकोगे तो डेफिनेटली आपको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प होगा। सो बिजनेसमैन शुड टेक टाइमली डिसीजन एंड करेक्ट डिसीजन। एक गलत डिसीजन की वजह से आपको ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। सो टाइमली और करेक्ट डिसीजन लेना काफी जरूरी होता है। और जब भी तुम लोग कोई डिसीजन लेते हो तो हर एक डिसीजन जो आपने लिया है उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखना जरूरी है। प्रोज का मतलब होता है कि उस डिसीजन की वजह से क्या फायदे हो सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कॉन्स का मतलब होता है कि डिसीजन की वजह से तुमको क्या नुकसान हो सकता है या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू शुड फाइंड आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन। जैसे कि सपोज मैंने एक सोप अगर मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो सोप लॉन्च करने की वजह से मुझे क्या फायदा हो सकता है या सोप लॉन्च करने की वजह से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, वो बिजनेसमैन को सोचना जरूरी है। सो बिजनेसमैन शुड बी एबल टू टेक वाइज डिसीजन। द डिसीजन शुड बी टाइमली एंड करेक्ट, और हर एक डिसीजन का प्रोज एंड कॉन्स आपको एनालाइज करके उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ा इशू है, तो जितने बिजनेसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो उसकी वजह से काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है, क्राइम के रिलेटेड हो सकते हैं या पॉवर्टी के रिलेटेड हो सकते हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। सो बिजनेसमैन का एक और फंक्शन है कि वो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे। जब भी आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो या स्टार्ट करते हो या आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब एक्सपांड करते हो, तो काफी सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आई रिपीट अगेन कि आप जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो या आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करते हो, तो काफी सारे लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अभी दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एक होता है डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो आपने बिजनेस खोला है उसमें लोगों को जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने होटल खोला, तो होटल में वेटर को जॉब मिलेगा, कैशियर को जॉब मिलेगा, मैनेजर को जॉब मिलेगा। सो दिस इज डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आपका जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसके अंदर लोगों को जॉब मिल रहा है। अभी आप होटल स्टार्ट करोगे, सो जिस एरिया में बिजनेसेस होते हैं उस एरिया में बैंक आ जाती है, इंश्योरेंस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है। सो वहां पे भी लोगों को जॉब मिलेगा, मतलब आपके बिजनेस की वजह से बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब स्टार्ट हुआ आपके एरिया में और वहां पे भी लोगों को क्या हो रहा है, जॉब मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब जो आपने बिजनेस खोला है उसके अंदर लोगों को जॉब मिलता है, और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब आपके बिजनेस की वजह से जो दूसरे सेक्टर ओपन हुए जैसे बैंक, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सब, उसके अंदर लोगों को जॉब मिल रहा है। दैट इज इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। तो एक बिजनेस की वजह से कितने सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं, यू कैन इमेजिन। सो बिजनेसमैन का एक काम है कि वो मैक्सिमम क्या करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। एंड द लास्ट वन इज सोशल वेलफेयर। हमेशा बिजनेसमैन ने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है कंपनी एक्ट जो नया आया है 2013, उसके हिसाब से कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा कंपनी ने क्या करना चाहिए, डोनेशन के फॉर्म में देना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द बिजनेसमैन। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन ने अच्छे क्वालिटी के गुड्स कस्टमर्स को देने चाहिए और वो भी कम दाम में,
क्योंकि जब कस्टमर को आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स देते हो कम दाम में देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। आजकल सबके घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, मोबाइल वगैरह, क्यों? बिकॉज ये सब हम लोग को मिल पाता है, बिकॉज ये सबके प्राइजेस जो है वो कम हो चुके हैं। लाखों में ये चीजें नहीं मिलती, कुछ हजारों में मिलती है, प्लस इंस्टॉलमेंट अवेलेबल होता है, तो इसकी वजह से हम लोग उसको परचेस करते हैं। और जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करेंगे उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दूसरा चीज है आपके जो भी हमारे रिसोर्सेस है, जैसे वाटर हो गया या पेड़ वगैरह हो गए, ट्रीज वगैरह हो गए, जंगल वगैरह हो गए, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं जैसे कोल वगैरह होता है, आयरन वगैरह होता है, उसको हम लोग को ऑप्टिमली यूज करना है, मैक्सिमम यूज करना है। हम लोग अगर सपोज वाटर को वेस्टेज करेंगे बिजनेस के अंदर, या हम लोग जंगलों को तोड़ेंगे, या फिर हम लोग सारे मिनरल्स को अगर वेस्टेज करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। पर अगर इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर क्या होगा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सबका ग्रोथ होगा, सब एकदम पीसफुल रहेगा। सो हम लोग को जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है या कम रिसोर्सेस है उनको हमको ऑप्टिमली यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप इसमें लिख सकते हो कि बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, सोशल कॉज के लिए डोनेशंस देने चाहिए, जैसे स्कूल बांधना है या स्कूल में कंप्यूटर की जरूरत है, हॉस्पिटल्स वगैरह बांधना है, अनाथ आश्रम बांधना है या वृद्धाश्रम बांधना है, या फिर कहीं पे गार्डन्स वगैरह बनाना है, किसी एरिया का कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना है अलग तरीके से, तो वो सब एक्टिविटीज भी बिजनेसमैन ने करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सोशल वेलफेयर। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।